और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो भी दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं विजिट वीजा पे, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमने जॉब ज्वाइन करी और वहाँ पे हमें सैलरी नहीं मिल रही है और वो लोग वीज़ा नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये उन सब के लिए वीडियो है भाई जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और जो करने आने वाले हैं। तो यार इस चीज़ में इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिसपे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बना रखी है। तो भाई एक बार कमेंट करने से पहले ना आप मेरा चैनल विजिट करके उस पर देख लिया करो वीडियोस कौन कौन सी हैं, जरूर आपका मेरे, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक चूज करता हूँ जिसमें जो बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन, क्योंकि मैं कमेंट में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जितना मैं वीडियो में कर पाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को विजिट करके जरूर अपना जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं मिला तो फिर आप मुझे कमेंट जरूर करिए, तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार होता क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग जॉब सर्च करने आते हैं विजिट पे, ठीक है, यहाँ जॉब सर्च करते हैं बहुत सी जगह, उनको कॉल्स भी आते हैं क्योंकि आप जब नंबर यहाँ पे लेते हो तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट्स पे अपने रेज्यूमे वगैरह अपलोड करते हो, तो इनका नेटवर्क ऐसा है कि ये ऑलरेडी जो कंसल्टेंसीज ये सारी हैं इनके पास नंबर आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो फिर वो आपको कॉल करना शुरू करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, ठीक है। फिर आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कहते हैं कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे और आपका जॉब हो जाएगा। तो भाई मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो आप विजिट वीजा पे जॉब आपको कोई ऑफर करे कि आप एक महीना हमारे साथ काम करिए तो बिल्कुल काम मत करिएगा। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि विजिट वीजा पे यहां पे काम करना इलीगल है, ठीक है। फिर दूसरी बात पैसे, जो कंपनीज आपसे पैसे मांगती हैं कि भाई आपको यहाँ वीजा के पैसे पे करने पड़ेंगे, एमिरेट्स आईडी जो यहाँ पे आईडी बनती है उसके पैसे, जो मेडिकल होगा उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, तो भाई उसको भी कोई जरूरत नहीं है पे करने की, वो भी इलीगल है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस होगा, जो ओनर होगा कंपनी का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही ये सारी चीजों के पैसे पे करेगा। आप प्रोबेशन पीरियड पे छोड़ते हैं, मतलब प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि कंपनी आपको जब आपको जॉब देती है उसके बाद 3 से 6 महीने, 6 महीने मैक्सिमम टाइम होता है प्रोबेशन पीरियड का, उसमें आपको रख के चेक करती है, ठीक है। तो वही है, आप ये गलती मत करिएगा विजिट वीजा पे रह के वो आपको बोले कि भाई हम 2 महीने आपको देखेंगे, आप बोलिए कंपनी आप हमें हायर करो हम फिर काम करेंगे। जॉब लेने के चक्कर में आई नो कि यार जॉब बहुत जरूरी है, आप लोग इतना पैसा खर्च करके आते हो, लेकिन यार एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हो अगर आप फिर भी वीजा विजिट वीजा पे आप जॉब करने लग जाओगे, ठीक है। वो तो कंपनी है यार, उसके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो 50,000 दिरहम का फाइन आएगा तो वो पे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, डिपोर्ट हो जाते हैं, कभी आप यूएई दोबारा फिर दुबई नहीं आ पाओगे जॉब करने के लिए। तो विजिट वीजा पे जॉब मत करना, ठीक है, कभी भी कंपनी को बोलना कि भाई आप हमें पहले हायर करो। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड वाला मैं बता रहा हूँ इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेक करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब मतलब सर्च करने आते हैं तो कंपनी बोलती है, तो यार बंदा ना लालच में आ जाता है कि चलो यार मैं कर लेता हूँ और ऐसे करके, तो उस टाइम कंपनी जो देखो जो अच्छी कंपनी होगी ना वो कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलेगी कि हम आपको 2 दिन रख के चेक करेंगे 3 दिन रख, वो जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो उसी टाइम आपको भाप लेंगे, आपको जज कर लेंगे कि यार बंदा काम का है नहीं है। वो अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो उसी टाइम मना कर देगी, नहीं भाई हम नहीं रख सकते, और बुरी कंपनी होगी वो क्या करती है कि यार वो उसको समझ में आ जाता है पूरा, वो आपको इंटरव्यू के टाइम ही चेक कर लेते हैं कि यार बंदा जरूरत कितना जरूरतमंद है, क्या है क्या सारी चीजें, तो उसी टाइम वो आपको भाप लेते हैं। तो यार वो क्या करते हैं कि ठीक है हम आपको 1 महीना रख के देखते हैं और आपको चेक करते हैं कि आपका काम कैसा है, और आप हाँ करते हैं, तो यही गलती हो जाती है, ठीक है। अगर आप पहले से रूल्स यहाँ के रेगुलेशंस आपको पता होंगे ना, बेझिझक यार उनको बोलो कि ये तो इलीगल है, आप कैसे मैं विजिट वीजा पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो उनको लगेगा हाँ यार बंदा जानता है यहाँ के रूल्स के बारे में, ठीक है। तो यार यही है, मेरे सामने ऐसे केसेस हुए हैं, लोग यहाँ की जो गवर्नमेंट वो है वो एकदम से ऑफिसेज विजिट करते हैं और आप विजिट वीजे पे काम करते पकड़े गए तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फाइन वाइन आप नहीं पे कर पाओगे, कंपनी कर लेती है।
तो मैं क्या बोल रहा था कि होता क्या है कि वो लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ 1 महीने काम करिए, हम देखते हैं, तो वो फिर आपको सैलरी भी देंगे उस काम की, और वो भाई आपको रगड़ते हैं 8 घंटे, जैसे ड्यूटी टाइमिंग से वो आपको 12 12 14 14 घंटे काम करवाएंगे, आप भी दिल लगा के काम करोगे कि भाई मुझे यार ये लोग रख लें और मैं जो है अपना 100% दूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, 1 2 महीने बाद वो कहते हैं हाँ हम अब वीजा लगाएंगे, ये कर करके वो आपका जो जो आप 60 डेज 90 डेज का वीजा लेके आए हो वो पूरा टाइम आपका निकाल देते हैं, और आपको कहते हैं कि भाई हमें आप समझ में नहीं आ रहे, या आप बोलते हो कि भाई आप ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे, 2 महीने बाद आपको ना सैलरी दे ना कुछ, तो वो कहते हैं ठीक है नहीं कर पाएंगे तो मत करो, ठीक है। तो उससे लॉस किसका हुआ, उनका लॉस नहीं हुआ, वो फिर से जो है दूसरा ऐसी कोई अपना शिकार ढूंढेंगे और वो उससे काम करवाएंगे। अभी गलती क्या होती है कि हम लोग कंप्लेंट नहीं करते यहाँ पे जो भी ऐसे प्रॉब्लम हो, और कंप्लेंट कर भी कैसे सकते हैं कि भाई आप भी तो इलीगली काम कर रहे हो ना, जब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप विजिट वीजा पे काम नहीं कर सकते तो आप भी कर रहे हो, तो इसलिए आपके हाथ में भी पावर नहीं होती कि आप जाके कंप्लेंट करो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यार देखो जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो ये सब नहीं करती, वो फॉरन आपको हायर करेंगी उसी टाइम, वर्क परमिट, ये जो वीजे वगैरह प्रोसेस होता है ना वो 1 1.5 हफ्ते का काम होता है, ठीक है, वो उसी में ही हो जाता है। अगर उन्हें सही में जरूरत है ना तो वो सब कर करा के आपको फॉरन हायर कर लेंगे। और हाँ, अगर जो ऐसी कंपनीज होती हैं बेकार कंपनीज, वो आपको ऐसे घुमाती हैं और आप उसमें फंस जाते हो, और 2 महीने काम करके इतनी मेहनत करके और हाथ में कुछ नहीं आता, वो सैलरीज तक नहीं देती हैं, और आप जो है चुपचाप चले जाते हो, ठीक है, और आपके अंदर हाथ में पावर भी नहीं होती कि आप कंप्लेंट कर सको क्योंकि आप भी उल्टा फंसोगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे लोग करके चले जाते हैं और कंपनीज के काम ऐसे चलते रहते हैं क्योंकि लोग कंप्लेंट नहीं करते ऐसे, ठीक है। तो इस टाइम ये जो स्कैम है, जॉब स्कैम, ये बहुत कॉमन हो चुका है। इस टाइम बहुत सी जो कंपनीज हैं छोटी मोटी, ये सारी ना अच्छी कंपनीज ऐसे नहीं कर रही हैं, जो छोटी मोटी ये सब बेकार कंपनी हैं, ये ऐसे ही यार कितने लोगों को काम में लेती हैं और बेचारों का टाइम खत्म हो जाता है, मैंने देखा है ऐसी ऐसा होते हुए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा। 1 2 महीने आपका भी टाइम निकल जाता है, जो आप जिस टाइम में सर्च करते आपको दूसरी जॉब मिलती है उस टाइम पे आप जो है अपना सारा टाइम बेकार करके और खाली हाथ लौट जाते हो, ठीक है। फिर एक जॉब के लालच, देखो इंशाल्लाह ऊपर वाले पे, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह जरूर जॉब मिलेगी अगर किस्मत में है, अगर नहीं, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं यार जॉब के लिए हमें हेल्प कर दी, या रेफरेंस काम करते हैं, ठीक है, नो डाउट रेफरेंस काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, रेफरेंस कैसे काम करते हैं, जब आप, मेरा भी अभी एक रिलेटिव आया हुआ था, ठीक है, वो 3 महीने यहाँ रुक के गया और वो चला गया वापस, उसकी जॉब नहीं हो पाई। मैंने भी अपने फ्रेंड्स, क्योंकि यार वो रेफरेंस क्या होता है, वो एकदम सडन जॉब निकलती है उस टाइम, अगर आप यहीं पे हो और आपकी वो मैच कर रही है जॉब प्रोफाइल, ठीक है, तो हो जाता है। अब मान लो आप फील्ड के, दूसरी फील्ड के बंदे हो, आप मान लो सिविल इंजीनियर हो और निकली है हेल्थ के उसमें जॉब, तो आपको कैसे मिल जाएगी, वो नहीं मिल सकती, ठीक है। तो मैं वही एग्जाम्पल बताऊं, देखो अल्लाह पे भरोसा रखो और आपके हक में जो लिखा है ना वो आपको मिलेगा, उसकी लालच मत करना, मेहनत करना, वो जरूर मिलेगा। अभी मैं जैसे बताऊं, रिलेटिव मेरा आया था, ठीक है, अभी वो 3 महीने रुक के गया, उसे जॉब नहीं मिली और बेचारा वो वापस चला गया, लेकिन यार उसके लिए अल्लाह ने और अच्छा बेहतर लिख रखा था। अभी उसे कनाडा से ऑफर आया तो वो कनाडा जा रहा है, तो अभी वो ये सोच लेता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिल पाई, मैंने ये किया वो किया ऐसे करके, तो उसको तो मतलब मायूस हो जाता, लेकिन वही है, ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए। तो उसे अब कनाडा जा रहा है तो और उसे अच्छा बेहतर ऑफर मिला है, तो यार हमेशा परेशान होने की जरूरत नहीं है लालच के चक्कर में आके, कोई गलत कंपनी, देखो गलत कंपनी ज्वाइन करने से अच्छा है आप 5 महीने बाद छोड़ो, 1 साल बाद छोड़ो, इससे अच्छा है कि आप ज्वाइन ही मत करो, ठीक है। साहब बोलो कि भाई आप हमें हायर करो, हम जरूर ज्वाइन करेंगे, ये तो इलीगल है, मैं काम नहीं कर सकता ऐसे, तो यार थोड़े आप उससे प्रोफेशनल भी लगोगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, लगता है हेल्पफुल है अपने दोस्तों के लिए तो यार इसको शेयर कर देना। चलिए मिलता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, जब तक अपने रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।